and my heartfelt thanks to Dr. Somu Singh for giving me such a nice platform to take the class on Sri Aurobindo and Savitri Bai Phule. In the outset, I am thanking God and all my elders, all my teachers. So today, the topic of discussion is contribution of Sri Aurobindo and Savitri Bai Phule in social change. In this presentation, I'll first discuss about Sri Aurobindo, and after that, I'll talk about Savitri Bai Phule. So, as we know, Sri Aurobindo taught that the divine truth is greater than any religion or creed or scripture or idea or philosophy. उनके हिसाब से सत्य वही है जो आध्यात्मिक है, जो परम सत्य है. According to him, education should be dynamic so that it can be able to meet the needs of present complex life. Its central aim is building the power of human mind and spirit. मतलब जो एजुकेशन हम अभी कर रहे हैं, जिसको हम फॉर्मल एजुकेशन बोलते हैं, श्री अरविंदो फॉर्मल एजुकेशन के साथ साथ स्पिरिचुअल एजुकेशन या जीवन की परम सत्य उपलब्धि करने के लिए या पाने के लिए हमेशा तत्पर रहते थे. उनके हिसाब से शिक्षा जो है वो जीवन के परम सत्य को पाना ही है. पहले हम देखेंगे कि श्री अरविंदो की कब पैदा हुए थे, कहाँ पैदा हुए थे, और उनके जीवन थोड़ी सी हम लोग डिस्कस कर लेंगे. ही वॉज बॉर्न इन 15th August 1872 इन कलकत्ता. 7 साल की एज में वो इंग्लैंड गए थे और वहाँ पे 14 साल की पढ़ाई शिक्षा वहाँ पे ग्रहण किए थे. एट द एज ऑफ 18 ही पास द एंट्रेंस एग्जाम ऑफ द सिविल सर्विस, बट ही डिड नॉट जॉइन इट बिकॉज ही कुड नॉट पास हॉर्स राइडिंग. एनीवे ही हैड मास्टर्ड इंग्लिश, लैटिन, ग्रीक, फ्रेंच, जर्मन, स्पेनिश. 1893 ही केम टू इंडिया एंड जॉइन एज ए प्रोफेसर ऑफ इंग्लिश एट बड़ौदा कॉलेज, गुजरात. यहाँ पे वो पढ़ाई के साथ साथ, बच्चों को पढ़ाने के साथ साथ, बहुत सारे इंडियन लैंग्वेज भी सीख लिए, जैसे कि बंगाली, गुजराती, मराठी, संस्कृत. तो अभी हम उनको बोल सकते हैं, उनको बहुत सारे फॉरेन लैंग्वेजेस भी आती थी और इंडियन लैंग्वेज भी आती थी. He joined National Indian National Congress and became an active freedom fighter when he was at Baroda. That time he started two Bengali newspaper, एक है युगांतर, एक है बंदे मातरम. ये दोनों स्वाधीनता संग्राम के लिए ही बना था. उनको 1908 में एक बम केस में
अलीपुर जेल में भेजा गया था, और वो अलीपुर जेल उनका जीवन के एक टर्निंग पॉइंट था। वो अलीपुर जेल में उनको भगवान कृष्ण की दर्शन हुई, और उनके निर्देश के अनुसार वो पांडिचेरी चले गए, और वहाँ उस पांडिचेरी में उनका जीवन के 40 साल वहीं पे रहे, सिर्फ एंड सिर्फ आध्यात्मिक साधना में। उनका जीवन का पूरा टर्निंग पॉइंट वही था, अलीपुर जेल था। एक फ्रीडम फाइटर, एक लर्नेड मैन हु बिकम अ सेंट, अ सीयर, एंड ही स्टेड देयर फॉर 40 इयर्स इन पांडिचेरी। एंड वहाँ पे वो एक इंटरनेशनल आश्रम और इंटरनेशनल सेंटर ऑफ एजुकेशन एंड सोशल एक्टिविटीज बनाए थे। ऑफकोर्स उनके जो कोलाबोरेटर, स्पिरिचुअल कोलाबोरेटर थ्री मदर, द मदर मीरा अल्फांसा, वही सब कुछ करी थी, लेकिन द मेन मोटिवेशन वाज श्री अरविंदो। वहाँ पे एक पांडिचेरी में एक नए टाउनशिप, एक इंटरनेशनल टाउनशिप वो लोग बनाए हैं, जिसको हम ऑरोविल बोलते हैं, और इसको हम ए सिटी ऑफ ह्यूमैनिटीज भी बोलते हैं। तो ये था छोटे 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 माने वेरी शॉर्टली द लाइफ ऑफ श्री अरविंदो। हम यहाँ पे लाइफ के बारे में ज़्यादा डिस्कशन नहीं करेंगे, हम करेंगे कि उनका एजुकेशन की प्रिंसिपल क्या था और वो सोशल चेंज में कैसे हेल्प किया। तो उनका प्रिंसिपल ऑफ एजुकेशन में मेनली चार प्रिंसिपल ऑफ एजुकेशन था। एक है नथिंग कैन बी टॉट, नथिंग कैन बी टॉट मतलब कुछ भी पढ़ाया नहीं जाता जा सकता है, बट एवरीथिंग कैन बी लर्नड। ये जो पर्टिकुलर प्रिंसिपल है, ये प्रिंसिपल हमको दिखाता है कि इनडायरेक्टली ही वॉज ए कंस्ट्रक्टिविस्ट एंड ही वॉज टॉकिंग अ कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच। हमारा जो न्यू नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 बनी थी, बेसिंग ऑन श्री अरविंदो एंड श्री रविंद्रनाथ टैगोर, गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर, ये दोनों की प्रिंसिपल पे खास करके बनी थी। तो ये जो बताया जा रहा है, नथिंग कैन बी टॉट बट एवरीथिंग कैन बी लर्नड, दैट मीन्स वी हैव टू प्रिपेयर द चाइल्ड फॉर एजुकेशन, फॉर लर्निंग। वी हैव टू क्रिएट अ सिचुएशन, वी हैव टू बी ए फैसिलिटेटर। Then second principle is mind has to be consulted for the growth. Mind has to be consulted for the growth. That means every time it should be towards growth. As we know कि हम जो आए हैं, हमारे पीछे भी कुछ संस्कार है, अभी का कुछ संस्कार है वर्तमान की, और ये वर्तमान और अतीत हम दोनों मिलके हमारे भविष्य बनाएंगे। श्री अरविंदो नेवर टुक द चाइल्ड एज इट इज, ही वॉज थिंकिंग दैट चाइल्ड इज नॉट ए चाइल्ड, ही इज ए ग्रोइंग सोल, ही इज ए ग्रोइंग सोल। सो दैट इज वाई he was talking about to work from the known to the unknown, matlab from being to becoming, from being to becoming, because unke hisab se teen cheeze hain, ek pashu manav, ek manav aur ek daivya manav ya ati manav. hamari
ईच पर्सन मूव्स फ्रॉम एन एनिमल मैन टू अ सुपरमैन। सो ये जो जर्नी है पशु मानव से अति मानव तक, ये जो जर्नी है ये है बीइंग टू बिकमिंग। सो हमारा लक्ष्य है कि कहाँ तक हमको जाना है। अभी हम पशु मानव में है तो हमारी यात्रा मानव, उसके बाद मानव के बाद अति मानव की ओर जाएगा। तो इसलिए ही टोल्ड दैट वी हैव टू वर्क फ्रॉम नियर टू फार, फ्रॉम नोन टू अननोन। द नेक्स्ट प्रिंसिपल विच इज द वेरी इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल, दैट एक्सपेक्टिंग द बिहेवियर या एक्सपेक्टेड बिहेवियर फ्रॉम ए चाइल्ड एज पर द सोसाइटी, दैट इज पेरेंट्स, टीचर्स, पीयर्स, रिलेटिव्स, एज ए बारबारियन वे ऑफ ट्रीटमेंट टू द ग्रोइंग सोल। मतलब जैसे हम जानते हैं बच्चा पैदा होता है, होते ही हम सोचते हैं ये IAS बनेगा, डॉक्टर बनेगा या इंजीनियर बनेगा, उसी हिसाब से हम बच्चा को बनाना चाहते हैं। ये बच्चा एक प्रेशर में रहता है और जब इसको श्री अरविंदो को बिल्कुल पसंद नहीं था तो इसीलिए वो बोलते थे कि एक्सपेक्टिंग द बिहेवियर फ्रॉम ए चाइल्ड एज पर द सोसाइटी इज ए बारबारियन वे ऑफ ट्रीटमेंट टू द ग्रोइंग सोल। उनके हिसाब से करिकुलम ट्रांजैक्शन कैसे होना चाहिए, ये था द प्रिंसिपल ऑफ करिकुलम ट्रांजैक्शन जो था। और पहला था कि द करिकुलम शुड फोस्टर द इंटरेस्ट ऑफ द चाइल्ड, चाइल्ड के इंटरेस्ट के हिसाब से करिकुलम होना चाहिए। इट शुड इंक्लूड दो सब्जेक्ट दैट प्रमोट मेंटल एंड स्पिरिचुअल डेवलपमेंट, नॉट ओनली मेंटल एंड स्पिरिचुअल डेवलपमेंट। He talks about the integral education and we will discuss what he meant by integral education. It should motivate children towards the attainment of knowledge of the world. मतलब अपने बारे में जानने के साथ साथ संसार के बारे में भी जानना जरूरी है। It should contain creativity of life and constructive capacities. मैंने बच्चों के अंदर जो क्रिएटिविटी है, जो इनर क्रिएशन करने की जो क्षमता है उसको हम लोगों को डेवलप करना चाहिए। तो डिफरेंट स्टेज में, इसीलिए डिफरेंट स्टेज में स्कूल के जो डिफरेंट स्टेजेस है, प्राइमरी, सेकेंडरी, यूनिवर्सिटी लेवल में क्या क्या करिकुलम में सब्जेक्ट होना चाहिए, उनके हिसाब से प्राइमरी स्टेज में नेशनल हिस्ट्री, फ्रांस, मदर टंग, जनरल साइंस, अरिथमेटिक, इंग्लिश, लिटरेचर, आर्ट, पेंटिंग एंड सोशल स्टडीज होना चाहिए। सेकेंडरी स्टेज में इंग्लिश, मदर टंग, सोशल स्टडी, हेल्थ एजुकेशन, फिजियोलॉजी, बॉटनी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, आर्ट, अरिथमेटिक, लिटरेचर एंड फ्रेंच, ये रहना चाहिए। फिर यूनिवर्सिटी लेवल पे इंडियन एंड वेस्टर्न फिलॉसफी, हिस्ट्री ऑफ सिविलाइजेशन, इंग्लिश लिटरेचर, फ्रेंच, सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी, हिस्ट्री, केमिस्ट्री, फिजिक्स, बॉटनी, ये सब यूनिवर्सिटी में रहना चाहिए। उसके साथ साथ वो एक और भी लेवल बताते थे, वो वोकेशनल लेवल। और वोकेशनल लेवल पे नर्सिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल, कॉटेज इंडस्ट्री, टाइपिंग, ड्राइंग, स्कल्पचरल फोटोग्राफी, पेंटिंग एंड आर्ट, ये सब अपना जो डिफरेंट स्टेजेस है और डिफरेंट स्टेजेस में क्या है करिकुलम में, ये करिकुलम हमको करना चाहिए। करिकुलम में ये जो सब्जेक्ट्स मैंने गिनाई, ये सब्जेक्ट सब पढ़वाना चाहिए। तो हमारे करिकुलम जो है एक होलिस्टिक करिकुलम होना चाहिए। ये श्री अरविंदो ने बोले थे कि करिकुलम जो है एक होलिस्टिक करिकुलम जो कि बच्चों को नॉट ओनली इंडिविजुअल नीड बट आल्सो नेशनल नीड एंड इंटरनेशनल नीड के लिए तैयार करना चाहिए। इसके लिए स्कूल कैसे होना चाहिए, स्कूल जो है, क्योंकि श्री अरविंदो टॉक्स अबाउट फ्रीडम
फ्रीडम एंड इंडिविजुअल इंडिविजुअलाइज्ड ग्रोथ। मतलब एक चाइल्ड अपने इंटरेस्ट के साथ, अपने पेस के साथ, अपने लेवल में अपना करिकुलम को धीरे धीरे या जैसे भी पढ़ सकता है वो कंप्लीट करना चाहिए। लेकिन उस टाइप के ग्रोथ या एजुकेशन के लिए हमारे जो स्कूल्स हैं, ट्रेडिशनल स्कूल्स, दे आर नॉट फिट। मीन्स दैट इज एंटीथेसिस ऑफ एन इम्पोज्ड यूनिफॉर्मिटी। मतलब हम लोगों को जो स्कूल में हमें यूनिफॉर्म प्रेस्क्राइब्ड कोर्स और सिलेबस बच्चों को दे देते हैं, अभी भी दे देते हैं, ड्यू टू द कॉलोनियल रूल। जब ब्रिटिशर्स दे हैव टॉट अस दैट कि ऐसे बच्चों को पढ़ाना है। ऑफ कोर्स हमारी वैदिक टाइम पे गुरुकुल सिस्टम में जो बच्चों को जो पसंद है वही पढ़ने के लिए उनको फ्रीडम दिया जाता था और वही था। लेकिन मैकॉले आने के बाद हमारे इंडिया की एजुकेशन सिस्टम टोटली चेंज हो चुकी है। हम लोग सिर्फ एंड सिर्फ हॉरिजॉन्टल ग्रुपिंग करते हैं। हम वर्टिकल ग्रुपिंग कभी बच्चों का नहीं किए हैं, कभी बच्चों का नहीं किए। अभी इंडिया में कुछ ही स्कूल, जैसे आपकी श्री अरबिंदो सेंटर ऑफ एजुकेशन एंड कृष्णमूर्ति सेंटर ऑफ एजुकेशन, दे आर डूइंग वर्टिकल ग्रुपिंग। वैराज और कोई भी स्कूल में वर्टिकल ग्रुपिंग नहीं है। जो बच्चे सिर्फ एंड सिर्फ हॉरिजॉन्टल ग्रुपिंग में पढ़ते हैं, एक सिलेबस एक एज ग्रुप के बच्चों को दिया जाता है और उसको वो कितना अच्छा से पढ़ रहा है वो हम कभी नहीं देखते हैं। लेकिन हम एक जनरल करिकुलम प्रेस्क्राइब कर दिए हैं। लेकिन आज पर श्री अरबिंदो स्कूल शुड बी ए प्लेस वेयर द चाइल्ड शुड गेट टोटल फ्रीडम टू ग्रो इन हिज ओन पेस विथ हिज ओन इंटरेस्ट। सो स्कूल वैसे ही होना चाहिए। देन टीचर के रोल क्या है? टीचर इज ए गार्डनर, इज ए गार्डनर। सो ही हैज टू जस्ट क्रिएट द एटमोस्फियर, प्रोवाइड द एटमोस्फियर, इज ए फैसिलिटेटर ऑफ लर्निंग। ही इज नॉट अ नॉलेज गिवर, ही विल जस्ट गिव अ जेन्युइन गाइडेंस टू अ चाइल्ड। देन द चाइल्ड विल ग्रो एंड गेट एजुकेटेड ऑन हिज ओन। What should be discipline? What he spoke about discipline? Discipline is, जबी हम एक atmosphere discipline का बना देते हैं तो अपने आप बच्चा discipline हो जाता है। कोई pressurize करके किसी को discipline नहीं कर सकते। ये श्री अरविंदो बोलते थे कि बच्चों को freedom दो, लेकिन फ्रीडम के साथ साथ उनको डिसिप्लिन सिखा दो। जैसे मैंने आपको बता दे रही हूँ कि जब हम जो छिछिंद्रा है उसको बोलते हैं स्नेक गॉड। स्नेक गॉड जब छोटा होता है उसके नीचे हम एक छोटा सा स्टोन बांध देते हैं ताकि वो टेढ़ा मेढ़ा नहीं होके सीधा बढ़ जाए। ये छोटा छोटा सा स्टोन जो है वो है डिसिप्लिन। तो श्री अरविंदो स्पोक अबाउट डिसिप्लिन, लेकिन द डिसिप्लिन शुड बी द सेल्फ डिसिप्लिन, द डिसिप्लिन वेयर द एटमोस्फियर इज रेडी टू हेल्प यू टू ग्रो टू इन योर ग्रोथ। सो दिस टाइप ऑफ डिसिप्लिन ही वॉज टॉकिंग अप। ही कंसेंट्रेटेड होली अपॉन द डेवलपमेंट ऑफ लाइफ माइंड एंड सोल ऑफ द स्टूडेंट्स। He did not speak only about physical growth, or he did not speak about the intellectual growth. He spoke about the holistic growth of a child. And the holistic growth में हम पांच चीजें जो श्री अरविंदो बोलते हैं, पांच चीजों के बारे में बात करते हैं। एक है physical education, दूसरा है vital education, तीसरा है intellectual education, चौथा है साइकिक एजुकेशन एंड लास्ट वन इज स्पिरिचुअल एजुकेशन। जैसे हमारे शरीर में पंच कोश होते हैं, अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय और आनंदमय कोश। ये यही पांच चीजों का विकास श्री अरविंदो अपने
एजुकेशन सिस्टम में करने के लिए बताए हैं, और इसी को ही इंटीग्रेटेड एजुकेशन बताया जाता है। और इंटीग्रेटेड एजुकेशन में पहला आता है फिजिकल एजुकेशन। आज वी नो दैट देहो देवालय प्रोक्तो जीव देव सनातनम शरीरम आद्यम खलु धर्म साधनम। मतलब इफ द बॉडी इज गुड स्ट्रांग देन यू कैन डू एवरीथिंग। एंड आज वी नो अ हेल्दी बॉडी हाउसेस अ हेल्दी माइंड। मतलब आपकी शरीर ठीक है, फिट है, तो यू कैन डू एवरीथिंग। इफ यू आर नॉट वेल, यू कांट डू एनीथिंग, बिकॉज योर माइंड इज ऑलवेज एंगेज्ड इन योर हेल्थ प्रॉब्लम। सो इट सीम्स फिजिकल एजुकेशन इज द प्राइमरी डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड। यदि उसका शरीर ठीक नहीं रहेगा, बॉडी ठीक नहीं रहेगा, देन ही कांट डू। आज पर द वर्ड्स ऑफ श्री अरविंद, इफ द चाइल्ड चिल्ड्रंस बॉडी वर्क्स एज एन इंस्ट्रूमेंट, द बॉडी इज द मेटेरियल थिंग एंड वॉन्ट टू हैव टोटल परफेक्शन ऑफ द चाइल्ड। मतलब अच्छे बॉडी के बॉडी जरूरी है। इसीलिए अभी आप श्री अरविंद आश्रम पांडिचेरी चले जाएंगे तो आपको देखेंगे आप सुबह और शाम उन लोगों के लिए गेम्स एंड एक्सरसाइज पीरियड्स है, फिजिकल ट्रेनिंग प्रोग्राम है उन लोगों के पास अभी। और नॉट ओनली द चिल्ड्रेन बट ऑल द पीपल दोज वर आश्रमाइटीज दे गो फॉर फिजिकल एक्सरसाइज। द नेक्स्ट आफ्टर फिजिकल एजुकेशन ही टॉक्स अबाउट वाइटल एजुकेशन या वाइटल ट्रेनिंग एंड एजुकेशन विच इज टू फोल्ड, दैट इट हेल्प्स टू डेवलप द सेंस ऑर्गन्स एंड थ्रू इट वन कैन ग्रेजुअली गेन मास्टरी ओवर हिज कैरेक्टर विच विल लीड टुवर्ड्स हिज परफेक्शन हिज ट्रांसफॉर्मेशन। सो अकॉर्डिंग टू द मदर the proper nourishment of the senses will help to generate generosity and nobility factor with the children। मतलब इसमें क्या है कि जो vital training है, जैसे हम अन्नमय कोश जो है वो physical body का training है, physical education हो गया। जो प्राणमय कोश है वो vital training है, वो है कि हमारी चित्त, हमारी sense organs, इसको सब हम लोगों को ट्रेन करना है एक पॉजिटिव वे में। देन मेंटल ट्रेनिंग इज मनोमय कोश प्राणमय अन्नमय कोश प्राणमय कोश मनोमय कोश। मनोमय कोश मतलब हमारे माइंड का जो ट्रेनिंग है उसके बारे में हम बात करते हैं। वन ऑफ द इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ द ह्यूमन डेवलपमेंट सिस्टम इज टू डेवलप द माइंड। उसको हम अंतःकरण भी बोलते हैं। इसको बोलते हैं मन बुद्धि अहंकार चित्त। मन बुद्धि अहंकार चित्त। चित्त इज द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ माइंड एंड व्हेन द माइंड बिकम प्योर इन दैट ओनली वी कैन हियर द साउंड ऑफ गॉड, वी कैन हियर द वॉइस ऑफ गॉड। तो इसी के साथ साथ बच्चों की मेंटल फैकल्टी मतलब मेमोरी पावर, पावर ऑफ जजमेंट, पावर ऑफ इमेजिनेशन, ये सब लॉजिक रिफ्लेक्टिव थिंकिंग, ये सब बढ़ता है। तो मेंटल ट्रेनिंग के बाद हम आते हैं साइकिक ट्रेनिंग। साइकिक ट्रेनिंग जो है वो फोर्थ लेवल है, फोर्थ कोसा है, जो सीथ है, सीथ ऑफ फूड, सीथ ऑफ वाइटल एनर्जी, सीथ ऑफ माइंड एंड सीथ ऑफ साइकिक ट्रेनिंग। मतलब प्राणमय कोश के बाद मनोमय कोश, और ये साइकिक ट्रेनिंग जो है वो आनंदमय कोश के बारे में बताता है। ये आनंदमय कोश की ट्रेनिंग है जो जिसको श्री अरविंद ने साइकिक ट्रेनिंग बताया, क्योंकि वो पंचकोशों की ट्रेनिंग यदि बताते तो शायद मुझे लगता है लोगों को पसंद नहीं आता। लेकिन वो ऐसे ही बताए हैं जैसे कि हमारी पंचकोश भी डेवलप हो और हमारी हर मतलब ईच पार्ट ऑफ ह्यूमन पर्सनालिटी वुड बी डेवलप्ड। तो श्री अरविंदो की साइकिक ट्रेनिंग के बारे में वो बोलते हैं द इटर्नल ऑब्जेक्ट इज द साइकिक बीइंग और कॉमनली नोन टू बी द सोल केम फ्रॉम गॉड एंड देयर इज अ नीड फॉर ट्रेनिंग ऑफ द सोल। मतलब हमारी जो एम है
संसार को आने के लिए पृथ्वी में पैदा होना जो हमारी जरूरत है, मतलब हम क्यों पैदा हुए हैं, एक बेसिक क्वेश्चन है, ये क्यों पैदा हुए हैं, इसके लिए पैदा हुए हैं कि हम हमारी एग्जिस्टेंस को फुलफिल करने के लिए पैदा हुए हैं, दैट इज टू रीच द सोल, टू रीच द डिवाइन। द नेक्स्ट वन इज आनंदमय कोश, विज्ञानमय कोशों के बाद हमारी आनंदमय कोश आती है, सुप्रामेंटल ट्रेनिंग एंड एजुकेशन। सुप्रामेंटल ट्रेनिंग इज द यूनिक हाईएस्ट लिमिट ऑफ सच एजुकेशनल ट्रेनिंग प्रोसीजर एज पर श्री अरविंद। मतलब हमको सचित सच्चिद आनंद को प्राप्त करना है एजुकेशन के थ्रू। तो पहला हो गया फिजिकल एजुकेशन, सेकेंड हो गया वाइटल एजुकेशन, थर्ड हो गया मेंटल एजुकेशन, देन फिफ्थ फोर्थ हुआ साइकिक एजुकेशन, एंड फिफ्थ वन इज द सुप्रामेंटल एजुकेशन, दैट इज आनंदमय कोश। आनंदमय कोश जब हम वही सचित आनंद को प्राप्त हो जाते हैं तो हमेशा हमेशा हम एक आनंद की अवस्था में रहते, दैट इज द स्टेट ऑफ ब्लीस, उसको हम बोलते हैं कि द सुप्रामेंटल एजुकेशन प्रोग्राम इज नेसेसरी फॉर द फुलफिलमेंट ऑफ स्पिरिचुअल एम, फुलफिलमेंट ऑफ द स्पिरिचुअल एम। सो दिस इज दिस टोटल पैकेज ऑफ एजुकेशन इज कॉल्ड एज इंटीग्रल एजुकेशन, इंटीग्रल एजुकेशन ऑफ श्री अरविंदो, दैट इज फिजिकल डेवलपमेंट, वाइटल डेवलपमेंट, मेंटल डेवलपमेंट, साइकिक डेवलपमेंट एंड सुप्रामेंटल डेवलपमेंट। देन नेक्स्ट वन इज हम लोगों की आती है इंटीग्रल एजुकेशन की, जो क्यों इंटीग्रल एजुकेशन होता है, द इंटीग्रल एजुकेशन हैज थ्री सेंट्रल एम्स। पहला है इट इज फॉर इंडिविजुअल, इंडिविजुअल मीन्स मैंने बताई कि एक आदमी का ये जो ग्रोथ होती है इंटीग्रल ग्रोथ, होलिस्टिक ग्रोथ है, कि होलिस्टिक ग्रोथ वो फिजिकल बॉडी से शुरू करके सोल तक जाता है और आनंदमय कोश में पहुंच जाता है, ये है एक इंडिविजुअल की, एक पर्सन की ग्रोथ। ये तो है एक पर्सनल लेवल पे, व्हाट इज द नेशनल लेवल, टू नेशनल लेवल टू स्ट्रेंथन एंड एनरिच इट्स नेशनल सोल, टू फोकस ऑन इट्स धर्मा। व्हेन मतलब आप समझ लीजिए, यदि आप सत्य को प्राप्त होते हैं, सच्चिद आनंद को प्राप्त होते हैं, तो आप कुछ बोलते नहीं है लेकिन लोग समझ जाते हैं, और धीरे धीरे एक एक इंडिविजुअल ऐसे ही अच्छा बन जाए तो हमारी नेशन की जो धर्म है वो बढ़ जाएगा, और हमारी नेशन सिर्फ एंड सिर्फ सनातन धर्म के लिए है, और ये सनातन धर्म को रक्षा करने के लिए हमको हर एक आदमी को वही इंटीग्रल एजुकेशन की जरूरत है। देन लास्टली फॉर द एडवांसमेंट ऑफ बोथ द इंडिविजुअल एंड द नेशन, मतलब दोनों की इन सच ए वे दैट इट कैन ग्रो इनटू द असेंडिंग पावर्स ऑफ माइंड एंड सोल ऑफ ह्यूमैनिटी। मतलब ये जो है ये इंडिया की जो सोल, ह्यूमैनिटी के जो सोल को ऊपर उठाएगा, कहाँ तक, ईश्वर तक या यूनिवर्सल कॉन्शसनेस तक, क्योंकि श्री अरविंदो की वार्ड में ईश्वर नहीं थे, उनका था इंडिविजुअल कॉन्शसनेस एंड यूनिवर्सल कॉन्शसनेस। इंडिविजुअल कॉन्शसनेस इज द ह्यूमन बीइंग एंड यूनिवर्सल कॉन्शसनेस इज द सुप्रीम, सुप्रीम डिवाइन। सो एक जर्नी फ्रॉम इंडिविजुअल कॉन्शसनेस to the universal consciousness, this is the integral education of Sri Aurobindo's. Then khali Sri Aurobindo aapko aap sunne ke baad aapko lag raha hoga ki Sri Aurobindo ki jo philosophy hai ye itne rich philosophy hai, ye rich philosophy sirf India ya individual के लिए नहीं है, ये ग्लोबल कंटेक्स्ट में भी बात करते हैं। ग्लोबल कंटेक्स्ट में हम अभी सुन रहे हैं कि ग्लोबलाइजेशन के बाद में बात, ग्लोबलाइजेशन के बारे में हम अभी सुन रहे हैं इन द 20th सेंचुरी, लेकिन वो उस समय पे बोले थे कि
देयर शुड बी अ कॉम्बिनेशन ऑफ ईस्टर्न ट्रांसेंडेंटल मेटाफिजिक्स विद वेस्टर्न साइंटिफिक रैशनलिज्म, देन ओनली अ होलिस्टिक एजुकेशन विल कम. हिज एकेडमिक इंटरेस्ट वॉज इंटरडिसिप्लिनरी, दैट इज पॉलिटिकल साइंस, एजुकेशन, सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी, फिलोसफी. He was really deeply inspired by Western thoughts, mostly by Henry Bergson's philosophy of cognitive evolution and Charles Darwin's evolution theory. So, इनके जो philosophy था, वो philosophy was the ideas of awaiting human evolution and global futurism become the foundation of his spiritual philosophy, sociological theory, पॉलिटिकल आइडियोलॉजी एंड एजुकेशनल थॉट. मतलब वो अपने जीवन में आज एजुकेटर ही वो अपना जीवन शुरू किए. बीच में ही बिकम अ फ्रीडम फाइटर एंड ही वर्क लॉट, ही सिंसियरली वर्क फॉर द फ्रीडम मूवमेंट एंड देन ही बिकम अ सेंट. उनको महर्षि भी बोला जाता, महर्षि श्री अरविंदो. एंड हिज योगा इज नोन एज इंटीग्रल योगा. ऐसे नहीं है कि वो खाली एक साइड बोलते हैं, लेफ्ट साइडेड डेवलपमेंट नहीं है. हिज अप्रोच टू योगा इज एन इंटीग्रेशन ऑफ फिजिकल सोशल बिहेवियर विद द मेटाफिजिकल लेवल एज ए होलिस्टिक सिस्टम ऑफ इनर सेल्फ मेडिटेशन एंड आउटर सोशल एक्शन. मतलब अंदर आप बैलेंस रहिए, बाहर आप काम करिए. जो बोला जाता है, मुंह में राम, हाथ में काम. हेड इन द फॉरेस्ट एंड हैंड इन द सोसाइटी. हेड इन द फॉरेस्ट, बी शंकराचार्य इन योर हेड, इन योर थॉट, एंड बी विवेकानंद इन योर वर्क एंड एक्शन. सो ये जो सोशल एक्शन है, दो तरह की होती है. एक नोइंग, सीकिंग द ऑब्जेक्टिव रैशनल नॉलेज एंड शोइंग इट इन बिहेवियर एंड कंटेम्पलेशन. सो हम देख चुके हैं कि श्री अरविंदो की जो आइडियाज ऑफ फिलॉसफी, आइडियाज ऑफ एजुकेशन जो था, ये केवल ही केवल सनातन धर्म के लिए नहीं था. वो एक कॉम्बिनेशन ऑफ ईस्टर्न स्पिरिचुअलिज्म एंड वेस्टर्न साइंटिफिक एंड रैशनलिज्म. सो ये एक बहुत बड़े सुंदर कॉम्बिनेशन था, एक अमलगमेशन थी. और इसके साथ उनका जो एजुकेशनल थॉट्स था, वो एजुकेशनल थॉट्स इतने मॉडर्निस्टिक था, इतने मॉडर्निस्टिक था कि वो चाहते थे कि बच्चा को इंडिपेंडेंस दो और अपने आप पढ़े, बच्चों के ऊपर कोई भी प्रेशर ना डाला जाए, ताकि ये टोटल एंड टोटल कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच के बारे में बोलते हैं. अंदर वो आइडियलिस्ट थे, ये नहीं बोला जा सकता है कि वो आइडियलिस्ट नहीं थे. वो आइडियलिस्ट थे, बट बाहर से एज ए बिहेवियर ही वॉज शोइंग द कंस्ट्रक्टिविस्ट बिहेवियर. सो ही वॉज कम्प्लीटली अमलगमेशन ऑफ आइडियलिज्म, प्रागमेटिज्म एंड कंस्ट्रक्टिविज्म एंड एट द सेम टाइम ह्यूमनिज्म. हिज अप्रोच वॉज वेरी ह्यूमनिस्टिक. सो विद दिस वी कैन मूव टू सावित्री बाई फुले, अनदर फिलोसोफर. सो If you have any queries, you can put in the chat box. We will discuss it afterwards. Then Savitribai Phule is a social reformer, educationist, anti-awareness of India. She is the first women teacher in India. She and her husband Jyoti Rao Phule play a big role for women equality and women education in British period. They established the first girls' school in Pune at 1848, and this name of the school was Bidewada. So, ये है सावित्रीबाई फुले का थोड़ा सा introduction कि वो पहले teacher, India की पहले लेडी टीचर थी ब्रिटिश पीरियड में. वही आप कभी सोचेंगे
कि 1848 में वो स्कूल शुरू कर दी थी गर्ल्स के लिए। कितने बड़े कदम था, और वो बड़े कदम के लिए उनके हस्बैंड उनको बहुत ही हेल्प किए थे, बहुत ही हेल्प किए थे। विदाउट हिम सी कुड नॉट हैव डन एनीथिंग। सो लेट अस डिस्कस हर ब्रीफ प्रोफाइल। प्रोफाइल इज, बहुत ज़्यादा मैं नहीं बोलूँगी क्योंकि आप लोगों को सब मिल जाएगी। 1831 में वो 17 डिस्ट्रिक्ट में एक पुअर कृषक परिवार में पैदा हुई थी। 1840 में, मतलब 9 साल की उम्र में वो ज्योतिबा फुले को शादी करी थी, और ज्योतिबा इतने अच्छे थे कि वो 1841 मतलब शादी के बाद उनको पढ़ाना शुरू कर दिए। आप देखिए कि वीमेन एम्पावरमेंट खाली बोलने से नहीं होता है। मैंने सावित्री बाई फुले के बारे में बताते हुए मुझे मैंने मुश्किल होगा कि ज्योतिबा फुले के बारे में नहीं बताऊं। ज्योतिबा फुले का सावित्री बाई फुले की कोई अस्तित्व नहीं। शादी के बाद ज्योतिबा जी सावित्री बाई फुले को पढ़ाना शुरू कर दिए थे, एंड 1848 में ज्योतिबा एक स्कूल शुरू किए थे, और उसमें उनको पहला टीचर रखे थे सावित्री बाई फुले को। और सावित्री बाई फुले, मैं आपको बता रही हूँ, इतनी अच्छी थी कि जब वो स्कूल जाती थी बच्चों को पढ़ाने के लिए, गांव के लोग उनको गोबर, कीचड़, पत्थर सब फेंकते थे। आप बताइए कि हमको अभी कोई ऐसे फेंकेगा तो हम बिल्कुल ही ना जाए। एक बार उसको थप्पड़ भी लगाए थे लोग रास्ते में कि नहीं पढ़ाने मत जा। उसके इतने सारे स्ट्रगल के बाद भी 1849 में वो 18 स्कूल बच्चों के लिए, शूद्र के लिए और अति शूद्र के लिए शुरू किए थे। उनको 1852 में आइडियल टीचर, आदर्श शिक्षक की अवार्ड मिली थी, और उसके साथ साथ वो बहुत सारे किताब भी लिखे थे, और उन लोगों के लिए सोशल वर्क भी बहुत किए थे। ऑफ कोर्स 1997 में उनको प्लेग हुआ था और प्लेग से वो चले गए। ये था उनके ब्रीफ, एक छोटा सा इंट्रोडक्शन, मतलब उनके जीवन के बारे में। लेकिन हम लोग देखेंगे कि वो ऐसे लेडी थी कि कैसे अपने को एजुकेशन में, लेडीज मतलब वीमेन एजुकेशन, सोशल चेंज में क्या क्या उनका कंट्रीब्यूशन रहा, उसके बारे में हम बात करते हैं। तो सी सेड, मतलब वो बोलती रहती थी, लेट नॉलेज बी आवर गॉड, परस्यू इट ऑल द वे, मतलब ज्ञान हमारे भगवान होने हैं, मतलब ईश्वर ही, ज्ञान ही ईश्वर है। हम बोलते हैं ना, सत्य ही ईश्वर है, ईश्वर ही सत्य है। तो वो उनके बात में था, सी ऑलवेज यूज टू टेल नॉलेज इज गॉड एंड गॉड इज नॉलेज, लेट नॉलेज बी योर गॉड, और हमेशा ट्राई करते रहो कि नॉलेज कैसे हमको प्राप्त होंगी। विथ डिटर्मिनेशन अटेन सक्सेस, मतलब साथ में एक फर्म डिटर्मिनेशन रहना चाहिए, और वो और उनके हस्बैंड दोनों ये फर्म डिटर्मिनेशन की पूरा एग्जाम्पल सेट किए हैं। क्योंकि जब वो स्कूल शुरू किए 1848 में, तब वो जब जाते थे घर से निकल के स्कूल, तभी रास्ते में लोग उनको कीचड़ फेंकते थे, गाली बकते थे, उनका साड़ी फाड़ देते थे, उनको मारते थे, लेकिन फिर भी जो डिटर्मिनेशन था, वो डिटर्मिनेशन उस समय पे, ब्रिटिशर्स के समय पे, आप सोचिए एक लेडी का क्या डिटर्मिनेशन। वो डिटर्मिनेशन के साथ डटे रही, और बाद में यो वीमेन एजुकेशन को बढ़ाते गई, और इसीलिए वो बोलती हैं, विथ डिटर्मिनेशन अटेन सक्सेस, डू नॉट लेट योर माइंड स्वे, मतलब कितने भी चैलेंजेस आए, कितने भी स्ट्रगल आए, उससे टस्ट से मत होइए। नॉलेज इज सो प्रीशियस, इट इज द ग्रेटेस्ट गिफ्ट ऑफ ऑल, वन विथ ए ट्रेजरी ऑफ नॉलेज अ वाइज पर्सन पीपल डू कॉल, मतलब जिसके पास नॉलेज है उसको ही लोग वाइज बोलते हैं। लेट
नॉलेज बी योर गॉड। उनके किताब था गो गेट एजुकेशन, मतलब जाओ और शिक्षा लो। उसमें वो बोलते थे बी सेल्फ रिलायंट, बी इंडस्ट्रियस, वर्क, गैदर विजडम एंड रिचेस। मतलब आप सेल्फ रिलायंट, आत्मनिर्भरशील हो जाओ, कर्मठ हो जाओ और काम करो, उसमें आप विजडम, ज्ञान, प्रज्ञान सब एक्वायर करो। ऑल गेट्स लॉस्ट विदाउट नॉलेज, वी बिकम एनिमल विदाउट विजडम। वो बोलते हैं यदि हमारे पास नॉलेज नहीं और कुछ भी नहीं, जितने सारे चीज है वो कुछ नहीं, ज्ञान के बिना हम पशु है। सिट आइडिल नो मोर गो गेट एजुकेशन, सिट आइडिल नो मोर गो गेट एजुकेशन। मतलब जाए जाइए पढ़िए। एंड मिजरी ऑफ द ऑप्रेस्ड एंड फॉरसेकन, मतलब जो लोग दुखी है, जिनके पास कोई पहुंच नहीं पा रहा है, उनके पास पहुंचिए, उनको हेल्प करिए, उनका जो दुख है उसको ख़त्म करिए। यू हैव गॉट ए गोल्डन चांस टू लर्न, मतलब आपके पास जो स्वर्णिम चांस है पढ़ने के लिए, जो मौका है उसको गवाइए मत। और पढ़ने के बाद आप क्या करेंगे, जो कास्ट की जो जाति प्रथा है उसको तोड़िए। और वो भी बोलते थे थ्रो अवे ब्राह्मण स्क्रिप्चर्स फास्ट, मतलब ये जो ब्राह्मण बात बहुत जोर शोर से चला था उसको बोले थे उसको तोड़ दो, उसको तोड़ दो, उसको तोड़ दो। सब लोग समान है, इक्वालिटी को बढ़ाते चलो, बढ़ाते चलो। उसके बाद में वो मानवता के बारे में बोलते हैं टू अटेन सेल्फ रिलायंस लेट अस प्लेज, मतलब हम लोग प्रतिज्ञा लेते हैं क्या करने के लिए, हम सेल्फ रिलायंट आत्मनिर्भरशील हो जाएंगे। एक्युमुलेट वे वेल्थ ऑफ नॉलेज, मतलब जो ज्ञान की संपद है उसको हम एक्युमुलेट करें, उसको हम कलेक्ट करें। हम जैसे हमको पैसा कमाना नहीं है, हमको क्या कमाना है, हमको ज्ञान कमाना है। विदाउट लर्निंग लाइफ इज एन एनिमल एग्जिस्टेंस ए वेस्ट। वही भी बोली थी कि जब पढ़ेंगे नहीं तब जीवन एक पशु तुल्य है, एक नष्ट है, मतलब एक बियर वेस्टेज ऑफ टाइम मनी एंड एनर्जी। डू नॉट रेस्ट, गेट एन एजुकेशन, मेक हेस्ट, मतलब जल्दीबाजी करो, पढ़ो, बिल्कुल रेस्ट मत लो जब तक आपकी गोल रीच नहीं होती है। लोगों को अलग, मतलब जो ब्राह्मीण का डोमिनेशन है उसको सब हटाओ, ये जो है इक्वालिटी संसार में लाओ, इक्वालिटी संसार में ना। इनके इनके लिखे हुए बहुत सारे किताब पब्लिश हुई है, और उनके पहला किताब जो थी वो काव्य फूले थी, और काव्य फूले में बहुत सारे वैल्यूज़ के बारे में वो बात करी है, बहुत सारे कविता लिखी है। वो बोली है लव, वो जो वैल्यूज़ काव्य फूले में थी वो थी लव, केयर, रेस्पेक्ट टू पेरेंट्स, वर्शिप, नॉलेज, फ्रीडम, इक्वालिटी, वननेस, करेज, सेल्फ रिलायंस, अपॉर्चुनिटी, कंपैशन, नॉन वायलेंस, सिंप्लिसिटी, ह्यूमैनिटी, सोशल हार्मनी, ये जितने सारे वैल्यूज मूल्य के बारे में वो बता रही है, वो वैल्यूज को सब लोग एजुकेशन के थ्रू ग्रहण करें। ये था थोड़े सी उनके उनके जो थॉट्स हमेशा चलती थी उनके जो रचना में, मतलब जितने सारे किताब वो लिखी थी वो किताब के निर्यास में मैंने बता दिया कि वो किताब क्या बोलते हैं। तो अभी हम देखेंगे व्हाट वाज हर एम ऑफ एजुकेशन। एम ऑफ एजुकेशन में वो बोलती थी कि सब लोग समान है, तो जो फैसिलिटी दिया जाएगा सबको एक जैसे फैसिलिटी दिया जाना चाहिए, क्योंकि उस समय पे कुछ लोग एजुकेशन कुछ लोगों की मोनोपोली थी, कुछ लोगों की मोनोपोली थी, वर्चस्व थी कि यही सिर्फ पढ़ेंगे और सब लोगों को पढ़ने की अधिकार नहीं थी। 1848 मसीहा, मतलब 1848, आप सोचिए 1947 में हम लोग स्वाधीन हुए, उस स्वाधीन के 100 साल पहले की बात है। आप सोचिए 1847 में मुझे लगता है सिपाही विद्रोह हुआ था,
उसके बाद ही उस समय के बारे में, उस समय में आप जानते होंगे कि कुछ लोग, मतलब जो राजा होंगे, जो पंडित होंगे, वही लोगों को सिर्फ पढ़ने के लिए फैसिलिटी थी, दूसरे लोगों को नहीं थी, तो इसीलिए वो उस समय पे बोली थी एजुकेशन शुड नॉट बी मोनोपोली, ये मोनोपोली एजुकेशन की स्टॉप होना चाहिए, सब लोग इक्वल है, सब ईश्वर की संतान है, सबको पढ़ने के लिए एक जैसे अधिकार मिलना चाहिए। तो अब पढ़ाने के समय पे कोई इंडिविजुअल को रिलीजियन, रेस, कास्ट और सेक्स पे बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन होना नहीं चाहिए। अभी भी ये बात चली आ रही है बहुत सारे स्टेट्स में, हम इंडिया में देख रहे हैं कि रिलीजियन के नाम पे, रेस के नाम पे, कास्ट के नाम पे, सेक्स के नाम पे बहुत सारे टॉर्चर होती है, बहुत सारे मतलब डिस्क्रिमिनेशन होती है। लेकिन उस समय पे कम से कम 200 साल पहले वो बता रही थी कि इन पे कोई डिस्टिंक्शन, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, एजुकेशन शुड डेवलप द वैल्यूज ऑफ ह्यूमानिज्म, मतलब मानवता की बात वो उस समय पे बताई थी। द प्रिंसिपल ऑफ यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एजुकेशन शुड बी फॉलोड एंड टू द सेम एक्सटेंड एजुकेशन शुड बी मेड कंपल्सरी, मतलब सब लोगों के लिए एजुकेशन होना चाहिए, शिक्षा सबका अधिकार है। अभी हमको सरकार बोल रहे हैं सब पढ़े सब बढ़े, साक्षरता अभियान जो चल रहा है वो 200 साल पहले वो शुरू करी थी यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एजुकेशन, और सबके लिए कंपलसरी हो जाना चाहिए, मतलब सब लोगों को पढ़ने के अधिकार मिलना चाहिए। वुमेन द नेग्लेक्टेड एंड दोज हु आर डिप्राइव्ड फॉर एजुकेशन, वो लोगों को, मतलब जो हम लोग बोलते हैं डिप्राइव्ड क्लास, डिसएडवांटेज क्लास, अंडर प्रिविलेज क्लास, उन लोगों को भी सोशल जस्टिस मिलना चाहिए, उन लोगों को भी एजुकेशन मिलना चाहिए। एजुकेशन शुड बेस्ड ऑन इक्वालिटी बिकॉज सच एजुकेशन बाइंड्स द सोसाइटी टुगेदर, इट डज नॉट डिस्ट्रक्ट द सोसाइटी, हेंस इट इज बेनिफिशियल फॉर द वेलफेयर ऑफ द कंट्री, मतलब एजुकेशन फॉर इक्वालिटी ये भी होना चाहिए। और यहाँ पे बताया गया है कि एजुकेशन शुड बी एन इम्पोर्टेंट इंस्ट्रूमेंट, मतलब ह्यूमैनिज्म, मानवता के लिए एजुकेशन सबसे बड़ा अस्त्र होना चाहिए। थ्रू एजुकेशन ऑफ वुमेन ऑफ इंडिया एबल टू डेवलप हर ओन वॉइस एंड एजेंसी अगेंस्ट द इनइक्वालिटी, मतलब उस समय पे भी वो आज है लेडी रिवोल्यूशनरी एक्टिविस्ट वो बोल रही थी कि फेमिनिस्ट ही शी वर्कड एज ए फेमिनिस्ट उस समय पे, और वो बोलती थी कि हर स्त्री अपना वॉइस रेज कर सकती है इनइक्वालिटी और डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट में। द एम ऑफ एजुकेशन इज टू रेज द लेवल ऑफ नॉलेज एंड इक्वालिटी, नॉलेज के साथ साथ इक्वालिटी की भी लेवल उठाना है। परमानेंट वैल्यूज लाइक फ्रीडम, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी शुड बी डेवलप्ड थ्रू एजुकेशन, एजुकेशन के थ्रू ये सब डेवलप हो जाना चाहिए। पर्सनैलिटी शुड बी डेवलप्ड एंड सोशल इक्वालिटी शुड बी एस्टैब्लिश्ड, सोशल इक्वालिटी एस्टैब्लिश्ड होना चाहिए। अभी तक इतने साल के बाद भी, इतने परिश्रम करने के बाद भी सोशल इनइक्वालिटी अभी भी चल रही है, जबकि वो उसका सपना तभी देखी थी, और उसका उनके बारे में बात थी कि वो एजुकेशन फॉर द मास, सर्व शिक्षा के बारे में भी बता रही थी। इसके लिए उनका 4 की फीचर्स था, यूनिवर्सली एजुकेशन शुड बी अवेलेबल, इट शुड बी चाइल्ड सेंसिटिव, इट शुड बी इंटेलेक्चुअली क्रिटिकल एंड सोशल रिफॉर्मिंग, मतलब जो भी पढ़ाई होना चाहिए, जो भी शिक्षा होना चाहिए, ये यूनिवर्सली अवेलेबल होना चाहिए, चाइल्ड सेंसिटिव होना चाहिए, इंटेलेक्चुअली क्रिटिकल होना चाहिए और सोशली रिफॉर्मिंग होना चाहिए। हम कुछ भी नहीं पढ़े, हम जो भी पढ़े वो सोशल चेंज के लिए एक मानक हो जाना चाहिए। उनके हिसाब से करिकुलम में बोलती थी कि फिजिकल वर्क भी होना चाहिए, नॉलेज फॉर इक्वालिटी, एम्पावरमेंट एंड प्रॉस्पेरिटी होना चाहिए, एंड वो कुछ इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स लाइक लॉ, साइंस, सोशल साइंस, मेडिकल साइंस,
सोशियोलॉजी, आर्ट एजुकेशन, इसको भी पढ़ाने के लिए बोल रही थी, जो कि हमारी सोशल रिफॉर्म में हेल्प करेगा। उनके हिसाब से मेथड ऑफ टीचिंग में वो बोलती थी, हमेशा बोलती थी, सी वॉज बायस टुवर्ड्स मेकिंग एजुकेशन ए रियालिटी, क्योंकि उस समय पे एजुकेशन एक रियालिटी नहीं थी, एजुकेशन एक मोनोपोली थी और लग्जरी थी कुछ लोगों के लिए, सब लोगों के लिए अवेलेबल नहीं थी। तो इसीलिए वो लगी हुई थी, डटी हुई थी कि कैसे सब लोगों के लिए एजुकेशन हो जाए। आज वन ऑफ द मेथड्स ऑफ एजुकेशन सी टॉक्ड अबाउट फ्री एनवायरमेंट, लाइक श्री अरविंदो ऑल्सो सी स्पोक अबाउट फ्री कंड्यूसिव एनवायरमेंट वेयर द चाइल्ड कैन ग्रो। और उनके जो मेथड्स थी, वो मेथड ऑफ लेक्चरिंग, प्रैक्टिकल मेथड्स, मेथड ऑफ एक्सपीरियंस एंड क्वेश्चन आंसर मेथड, उस समय पे वो, अभी हम एक्सपीरियंशियल मेथड के बारे में बात करते हैं, उस समय पे वो एक्सपीरियंशियल लर्निंग के बारे में बात करती थी। तो इसके बाद में, और उससे पता चलता था वो कितने विजनरी थी। उनके हिसाब से डिसिप्लिन वही ओपन डिसिप्लिन, एंड वो बोलती थी कि एजुकेशन विल बी ऑर्गेनाइज्ड इन ए कंप्लीट फ्री एनवायरनमेंट एंड ओपन डिसिप्लिन, अनलाइक द मेन वीमेन डिसिप्लिन विल बी द सेम फॉर ऑल। ये नहीं है कि डिसिप्लिन लेडीज के लिए कुछ अलग, जेंट्स के लिए कुछ अलग। अकॉर्डिंग टू हर, द नॉलेज ऑफ नॉलेज और द कंटेंट ऑफ नॉलेज इज क्रिएटेड ओनली इन द ओपन एनवायरनमेंट। Whenever there is a free environment, there is a freedom, environment of freedom, there is no pressure, then we can create more things. So as per her, the teacher should be the backbone of, teacher will be equality. वो equality के बाद शुरू से बोल रही थी और अभी भी बोल रही है कि teacher जो है वो कभी भी प्री कंसीव्ड आइडिया में नहीं रहना चाहिए, उनके पास पार्शियलिटी नहीं होना चाहिए, वो सिर्फ एंड सिर्फ इक्वालिटी के बेस पे काम करना चाहिए। सी विल बी द सिंबल ऑफ द इंडिपेंडेंट एंड फ्री थिंकिंग सेक्शन, मतलब कभी भी उनके अंदर कोई बायसनेस नहीं रहना चाहिए। द टीचर विल ऑलवेज बेनिफिट द सोसाइटी बी बाय अप्लाइंग राइट नॉलेज, राइट नॉलेज टीचर्स के पास होना चाहिए। एक तो इक्वालिटी होना चाहिए, दूसरा तो उनको पर्सनल बायस नहीं होना चाहिए, तीसरा है उनका फ्री थिंकिंग, इंडिपेंडेंट थिंकिंग होना चाहिए, और उनके पास इक्वालिटी होना चाहिए। इसके साथ साथ हम देखते हैं स्कूल, कैसे स्कूल के बारे में, किस टाइप के स्कूल के बारे में वो बात करती थी। सी ऑलवेज स्पीक्स फ्री एजुकेशन फॉर एवरीवन, the main spine of which is the school, free education for everyone. In school, everyone will have equal access to education regardless of race, religion, caste, sex. In addition to men, women also enjoy equal opportunity and benefit in the school. तो ये है कि school ऐसे ही place होना चाहिए जहाँ पे there should not be any discrimination. Always there should be equality. ये था सावित्रीबाई फुले जी की जो फिलॉसफी थी, जो एजुकेशनल एम्स थी। ये लगभग मैंने इन शॉर्ट आप लोगों को बता दी। और दोनों जो फिलॉसफर्स थे, दोनों सोशल चेंज की पूरा नींव हमारी कंट्री में डाले हैं। एक तो फ्रीडम फाइटर, एक बोलते हैं उनका जो लिखा हुआ सावित्री, अभी भी इंग्लिश लिटरेचर में ग्रेट एपिक है। वो इतने एजुकेटेड थे, इतने लर्नड थे, उसके साथ साथ फ्रीडम फाइटर थे। इसीलिए इतने अच्छे फ्रीडम फाइटर थे कि उनके बर्थडे पे इंडिया स्वाधीन हुई, 15th अगस्त इंडिया गॉट इंडिपेंडेंस। देन उसके बाद ही स्पोक अबाउट, ही इज अ विजनरी, ही स्पोक अबाउट इंडिपेंडेंट लर्निंग, इंडिपेंडेंट फ्रीडम एटमोस्फियर, फ्री लाइक बर्डन फ्री एटमोस्फियर फॉर द चाइल्ड। उसके साथ सावित्री बाई फुले जी ने, आप देखे हैं एक लेडी होते हुए भी, मैंने हम दो चीज़ें देखे हैं
कि एक लेडी होते हुए भी 200 साल पहले एक रिवॉल्यूशन शुरू कर दी थी लेडीज एजुकेशन, वीमेन एजुकेशन के बारे में, वॉज ए फेमिनिस्ट। अभी तो फेमिनिस्ट के मूवमेंट अभी हम देख रहे हैं, लेकिन उस समय पे इतनी हिम्मत था उनको कि फेमिनिस्ट मैंने बोल रही थी कि लेडीज शुड नॉट टॉलरेट द डिस्क्रिमिनेशन, शुड नॉट टॉलरेट द इनइक्वालिटीज। सो इन दोनों को आज मैंने सत सत प्रणाम कर रही हूँ, और इसके साथ मैंने मेरे वक्तव्य को विरति दे रही हूँ, मतलब आई एम कंक्लूडिंग द टॉक अबाउट कंट्रीब्यूशन ऑफ सावित्री अरविंदो एंड सावित्री बाई फुले। सो मच ऑफ थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड